दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने की अब कवायद थी, वो अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी उसको मिल चुकी है और जल्द ही इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस से अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनसे हम बात करते हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही आरोप लगा रही थी, निशाना साध रही थी बीजेपी की, एक करने जा रही है, एक हो जाएगी, पर अब संसद में बिल अभी पास हो जाएगा, ऐसी चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी ये कह रही है कि तीनों नगर निगम एक हो जाएगी तो मजबूत हो जाएगी, इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डर रही है। देखिए, दो प्रश्न आपने कहा, एक तो बीजेपी का पक्ष, तो मैं पहले बीजेपी का पक्ष आपको दिखा देता हूँ। ये खबर है INS न्यूज एजेंसी, ये खबर 10/10/2021 को, ये आदेश गुप्ता का बयान है जिसमें सीधे तौर पे वो कह रहे हैं आई डू नॉट थिंक यूनिफिकेशन ऑफ द सिविक बॉडीज इज ए सॉल्यूशन। ये मेरा बयान नहीं, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। दूसरी बात आपने कही विरोध की, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के विरोध के लिए कहना चाहता हूँ, ये घड़िया लिए आंसू बहाने बंद करें। ये चुनाव निकाय चुनाव कराने की जिम्मेवारी अरविंद की थी, 7 साल अरविंद को यहाँ हो गए। टाइमिंग को आप देखेंगे, जब इलेक्शन आयोग दिल्ली का ये तिथियां अनाउंस करने जा रहा था, उस समय एक पत्र आता है LG साहब के यहाँ से, उसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ये प्लान कर रहा है, इसको रोक दीजिए, और वो रोक देते हैं। कितनी प्यारी सी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली को आप शराब माफियाओं को बेच देते हो, LG साहब से परमिशन लाते हो, तो क्या इस पर LG साहब के साथ कोई डिस्कशन नहीं होगा? मुझे तो विश्वास नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही हैं, प्रश्न तो मैं अरविंद से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी आखिर क्यों गई, दिल्ली सरकार क्यों नहीं गई कोर्ट के अंदर? आपकी नियत पे तो सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं। सरकार को जाना चाहिए था, सरकार को एक इलेक्शन समय पे कराने चाहिए थे। दूसरा सवाल ये है, क्या 15 साल में भाजपा को दिखाई नहीं दिया? भाजपा ने खुद कहा था कि आर्थिक स्थिति खराब है, दिल्ली सरकार यदि पैसे नहीं देगी तो डायरेक्ट भारत सरकार MCD को पैसे देगी। तो उस बयान का क्या हुआ? अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया था, तो प्रश्न उससे भी और अरविंद से भी कि आखिर आपने पैसे क्यों नहीं दिए? कॉरपोरेशन को आपने जानबूझ के उसकी जो हालत है उसकी खस्ता कर दी, जिसका नतीजा रहा कि MCD के कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, या MCD के अंतर्गत आने वाली सड़कें हैं, पार्क से सबकी स्थिति बुरी से बुरी हो चुकी है। इस शहर को विश्व का सुंदर शहर बनाने का दावा अरविंद ने किया था। अरविंद से वो सवाल पूछे जाने थे 7 साल में, सवाल पेंशन के हैं, सवाल राशन कार्ड के हैं, सवाल MCD के तहत आने वाले स्लम के हैं, जहां झुकी वही मकान का नारा अरविंद ने दिया था। तो इन प्रश्नों से अरविंद कैसे भाग सकते हैं? तो दोनों पार्टियों ने साजिश के तहत, ये रणनीति के तहत ये जो है मसौदा तैयार किया गया, चुनाव को रोका गया। इनके अपने सर्वे में दोनों पार्टियों से इस सवाल पूछे जाने थे जहां पे इनकी हार सुनिश्चित थी। कॉरपोरेशन 3 जब हुई उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस सोच के पीछे मंशा क्या थी? आज भाजपा कहती है कि आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करेंगे, एकीकरण करके आर्थिक तौर पर सुदृढ़ नहीं हो रहे। आप MCD को जरूरत थी फंड की, पैसे की जरूरत थी, एकीकरण की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब कांग्रेस ने निर्णय लिया था उस समय, आप इस निर्णय की सोच के पीछे समझेंगे तो ये था कि दिल्ली की जनता को कर्मचारियों तक पहुंचाना और कर्मचारियों को जनता के बीच में पहुंचाना। उस समय एक कमिश्नर होता था, 272 पार्षदों को मौका नहीं मिलता था कि हम अपने कमिश्नर से कब बात करें जो जनता के चुन के लोग आए। तो इस परेशानी को और बेहतर प्रशासन के लिए MCD को 3 भाग में डिवाइड किया गया था। आर्थिक स्थिति MCD की कभी सही नहीं रही, सभी लोग लॉस में रहे, लेकिन हमेशा मदद मिलती रही केंद्र से, जो मनमोहन जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार देती थी, शीला जी की सरकार देती थी।